हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज़। फिल्म की रिलीज से पहले शाहरुख कर रहे हैं सोशल मीडिया प्रमोशन। भोला के ट्रेलर लॉन्च में पठान की तारीफ करते दिखे अजय देवगन। जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं, सो मैं दिल से बहुत खुश हूं और मैं सभी को यही कहता हूं कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान को लेकर लंबे वक्त से बस बना है। फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में पठान की दीदार में बस कुछ ही घंटे बाकी है, जिसके चलते शाहरुख और फिल्म के मेकर्स लगातार पठान के डिजिटल प्रमोशन में जुटे हैं। हाल ही में YRF ने दीपिका पादुकोण का एक वीडियो शेयर किया, इसमें वो पठान और अपनी लाइफ से जुड़े हुए कई सवालों का जवाब देते दिखी। इसी बीच हमेशा की तरह शाहरुख ने भी ट्विटर पर अपना आस्क SRK सेशन शुरू किया, जिसमें वो पठान से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब देते दिखे। वही सेशन से पहले अजय देवगन भोला के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान पठान को लेकर भी कुछ बोलते हुए नजर आए। सिंघम ने क्या कहा सुनिए। अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं, सो मैं दिल से बहुत खुश हूं और मैं सभी को यही कहता हूं कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। अजय की इस बाइट को SRK ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, अजय कई सालों से मेरे और मेरे परिवार के समर्थन और मेरे प्यार के स्तंभ रहे। वो एक बेहतरीन अभिनेता और खूबसूरत इंसान है, वो स्ट्रॉन्ग है और साइलेंट रहते हैं। शाहरुख खान के ट्वीट के बाद अजय देवगन ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा, प्रिय शाहरुख खान, आपके प्यार और प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। मैं इस बंधन को उतना ही महत्व देता हूं जितना आप देते हैं। पठान कलेक्शंस का आसमान छूने को तैयार है। मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री और हमारे लिए कई चीजें बेहतर दिख रही हैं। ये तो रही आस्क SRK सेशंस में हुई अजय और शाहरुख की बातचीत। चलिए किंग खान और उनके फैंस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। आस्क SRK के सेशन के दौरान एक फैन ने शाहरुख के मन्नत की बालकनी में खड़े होकर आइकॉनिक पोज देते हुए एक फोटो शेयर करते हुए पूछा, वहां खड़ा होना कैसा लगता है? जिस पर फनी जवाब देते हुए किंग खान ने लिखा, एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह, मैं जिस किनारे पर खड़ा हूं वो बहुत छोटा है। वहीं एक यूजर्स ने SRK से सवाल करते हुए लिखा, सो मेनी टीजर्स ट्रेलर्स कमिंग विद पठान, लगे आ तो जवान का टीजर भी डाल ही दो कल। इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए लिखा, हमारा टीजर प्यार के साथ आता है, पिक्चर के साथ नहीं। एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि सर इस बार पठान में रोमांस मिलेगा ना? इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा, मैं जहां होता हूं वहां रोमांस डांस ब्रोमांस होता ही है। कुल मिलाकर कहें तो शाहरुख का यह आस्क SRK सेशन भी हमेशा की तरह मजेदार रहा। ऐसे में पठान की रिलीज में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। 25 जनवरी को थिएटर में आने से पहले ये फिल्म जबरदस्त एडवांस बुकिंग कर चुकी है। वेल, उम्मीद है कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। माथे पर भभूत लगाए, हाथों में दूध से भरा लोटा पकड़े और शरीर पर धोती पहने अजय देवगन कर रहे हैं बाबा का अभिषेक। अजय देवगन की फिल्म भोला का जब से पोस्टर रिलीज हुआ था तब से ही ऑडियंस फिल्म को लेकर बेकरार नजर आई है। फिल्म के पहले टीजर ने तो ऑडियंस का दिल जीता ही था और अब फिल्म के सेकंड टीजर ने एक बार फिर जनता को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये शानदार है, धमाकेदार है। दरअसल जब से भोला का दूसरा टीजर रिलीज हुआ है तब से ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये टीजर काफी शानदार है। टीजर की बात करें तो इसमें जबरदस्त एक्शन, ढेर सारे इमोशंस और बाबा की नगरी बनारस नजर आने वाली है। पहले फ्रेम से लेकर टीजर का आखिरी फ्रेम, हर एक फ्रेम आप बिना पलक झपकाए देख पाएंगे। फिल्म के टीजर की शुरुआत अजय देवगन से होती है, जहां अजय फुल एक्शन में नजर आते हैं। कभी बाइक पकड़कर उड़ते दिखते हैं तो कभी दुश्मनों को मार गिराते हैं। तभी कहानी में तब्बू की एंट्री होती है, जहां उन्हें कुछ लोग बालों से घसीटते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस ऑफिसर बनी तब्बू टीजर में लाचार नजर आती हैं। फिल्म के टीजर में अजय लगातार पहले सीन से आखिरी सीन तक दुश्मनों से लड़ते हुए उनसे डटकर सामना करते हुए दिखते हैं। जिस तरह से अजय दुश्मनों को ललकार रहे हैं, ये बड़े पर्दे पर देखना अपने आप में खास होने वाला है। बात करें फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अजय, तब्बू, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल भोला के सेकंड टीजर लॉन्च का हिस्सा बने, जहां स्टार्स ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले अजय ने भोला के टाइटल पर लगाए जा रहे कयास को क्लियर किया। फिल्म का टाइटल भोला क्यों है सुनिए। कैरेक्टर इज वेरी वेरी सिंपल,
and he gets stuck into a situation and his actual intention is a very emotional intention. So he it's the wrong person in the wrong place at the wrong time. That's the situation where he doesn't want to be. So he's forced to do all this. So it's that kind of a scenario. So that's why it's good. भोला में अजय बतौर एक्टर तो नजर आएंगे ही, साथ ही वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में मिस्टर देवगन के डायरेक्शन वाले रूप के बारे में उनके को स्टार्स क्या कहते हैं, ये बेहद दिलचस्प है। He was not the Ajay Devgan that I have known for so many years. ये कोई और ही होते हैं जब ये डायरेक्टर होते हैं। ये किसी से बात नहीं करते, ये हंसते नहीं है, ना ये मुस्कुराते हैं। वैसे भी कम बात करते और कम हंसते हैं, बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत, बिल्कुल। ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉट में मुझे बताएं कि क्या करना है, वो भी भूल जाते हैं। ही इज लाइक क्या करना है, हाँ अब बैठ जाओ, जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ, बस सिंपल। जैसा कि टीजर देखकर साफ है कि फिल्म में अजय भोले बाबा के भक्त हैं, रियल लाइफ में भी अजय के साथ बाबा कैसे खड़े रहते हैं ये भी उन्होंने बताया। जो एक सेक्शन हमने बनारस में शूट किया था उसमें आप देखेंगे दो तीन शॉट है महाआरती के, उसके सामने यू नो बोट्स लगा के हम शूट कर रहे थे। इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू शूट एंड तो हमने बहुत सारे मल्टीपल कैमराज लगा कि ये 5 मिनट में खत्म करना, आरती 15 मिनट की होती है। And some, I mean, I wanted everything live and real. तो वो जो चीज़ हमको लग रहा था कि सुबह से लग रहा था, सुबह से हम प्रेप कर रहे थे, ऐसे लग रहा था होगा नहीं होगा कैसे होगा एंड ऐसे होगा, मतलब कि 5 मिनट में खत्म। So that was lovely. वहीं बात करें तब्बू की तो फिल्म में एक बार फिर एक्ट्रेस पुलिस ऑफिसर प्ले कर रही हैं। अपने कैरेक्टर को मिस तब्बू कैसे डिफरेंशिएट करती हैं ये उनसे ही जान लीजिए। एक्चुअली हर कैरेक्टर मुझे जो मिला है पुलिस ऑफिसर का ही क्यों ना हो, सब अलग अलग लोग हैं। तो सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो इंसान क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके थॉट्स क्या है, यू नो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो ये सब चीज़ें कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। और मेरी सारी फिल्मों में कैरेक्टर चरित्र, जैसे उन्होंने कहा चरित्र अलग रहा है कैरेक्टर्स का, इसलिए वो सब अलग लगते हैं लकीली, और इसमें तो कुछ अलग ही है, यू नो। सो आई एम रियली हैप्पी के इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर आई बीन एबल टू प्ले डिफरेंट पीपल। वैसे अजय कई फ्रेंचाइज का पार्ट रहे हैं, और बात करें भोला की तो इस एक्शन पैक्ड फिल्म को भी मिस्टर देवगन बतौर फ्रेंचाइज ही आपके सामने ला रहे हैं। इट इज प्लान्ड इट एज अ फ्रेंचाइज एंड इफ यू व्हेन यू सी द फिल्म देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट एट द एंड ऑफ द फिल्म व्हिच यू विल रियलाइज विल मूव इनटू अ पार्ट 2 और अ फ्रेंचाइज। खबरों की माने तो फिल्म की कहानी ड्रग माफिया को लेकर बनी है। दरअसल अजय स्टारर फिल्म भोला साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक है। साउथ की फिल्म कैथी में एक्टर कार्थी शिव कुमार ने मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। आपको बता दें कि भोला 30 मार्च 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ये फिल्म 3D और IMAX में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुभाष घई के बर्थडे पार्टी में सलमान ने कर दी ये गुस्ताखी। बर्थडे केक खाने के बाद टेबल क्लॉथ में हाथ पोंछते नजर आए भाईजान। एक्टर की इस हरकत को फैंस ने किया नोटिस। अब वीडियो पर कमेंट कर लोगों ने कही सलमान को लेकर ये बात। इस वीडियो में सुभाष घई सलमान खान के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक काटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो उन्हें केक खिलाते नजर आते हैं। पहले तो सलमान केक खाने का नाटक करते हैं और फिर उनके हाथ से केक का टुकड़ा खाते हैं। इसके बाद सलमान भी अपने हाथ से सुभाष को केक खिलाते हैं, लेकिन जब सलमान को हाथ पोंछने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वो छुपके से अपना हाथ टेबल क्लॉथ से ही पोंछ लेते हैं। लेकिन सलमान की यह हरकत उनके फैन से छिप नहीं पाई और उन्होंने इस हरकत को नोटिस कर लिया। अब सलमान का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोग उनके इस हरकत पर तरह तरह के कॉमेंट करने लगे। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, सलमान खान ने भी टेबल क्लॉथ से अपना हाथ पूछा। तो एक यूजर ने लिखा,
भाईजान भी हमारी तरह हरकत करते हैं, तो एक ने लिखा भाईजान की टेबल क्लॉथ में हाथ पोंछने की चोरी पकड़ी गई। इस तरह से लगातार कई यूजर्स कमेंट कर भाईजान की इस हरकत पर उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। बताते कि सलमान खान के अलावा सुभाष घई के बर्थडे सेलिब्रेशन में बी टाउन के फेवरेट कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल हुए थे। इस बर्थडे पार्टी में ऐश्वर्या राय ब्लू कलर के सूट पहने दिखाई दी। ऐश्वर्या राय का लुक लोगों को काफी पसंद आया। इनके अलावा इस पार्टी की रौनक को बढ़ाने के लिए अनुपम खेर और अनिल कपूर भी पहुंचे। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन भी फिल्म मेकर के शानदार पार्टी का हिस्सा बनी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।